अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम अस्मा बेगम। हुजूर मेरा सवाल है कि हुजूर ने एक क्लास में फरमाया था कि हुजूर ने जिन देखे हैं, हुजूर हमें क्या वो वाकया सुना सकते हैं कि कब कहाँ जिन का? जी हुजूर, जिन मैंने दो दफा तो देखे हैं। एक दफा तो रात को मैं सोया हुआ था जब बिस्तर पे, तो मैंने देखा एक छोटा सा टहना सा आदमी वो आके मुझे गौर से घूर घूर के देख रहा है, तो मेरी उससे घबरा के आँख खुल गई और मैं डरा नहीं। वो मुझे जब देखा कि मैं जाग गया हूँ तो वो जाके मेरे गुस्ल खाने में चला गया। पहली तरफ से गुस्ल खाने का दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद किया हुआ था और अपना शेव करने के लिए ब्लेड रखा हुआ था और रेज़र रखा हुआ था, मगर उसमें डाला नहीं था। तो जब मैं गुस्ल खाने सुबह उठ के गया हूँ तो उस वक्त वो दरवाज़े में से गुज़र गया था और मेरे रेज़र में ब्लेड डाल दिया था उसने और उसी तरह छोड़ गया था। उस पर मुझे यकीन हो गया कि ये कोई बला थी जो इस तरह अंदर आ गई। दूसरी दफ़ा मैंने जब देखा तो उसमें कई गवाह हैं, आज भी जिंदा हैं वो। हमने जाना था समंदर में, समंदर में क्या नाम थे उसका, वो जो हॉक्स पे। तो जाने से पहले मैंने कहा मैं अपना टेप रिकॉर्डर ठीक करवा लूँ, तो मेरे साथ जमील खोकर और उसके मियाँ और उनकी बेटी उमा ये सारे बैठे हुए थे मोटर में। तो मैं अंदर चला गया, अंदर वहाँ आने से पहले ये तारिक रोड का वाक्य है, मैंने देखा कि एक औरत खड़ी है, उसका निकाब यूँ है और आँखें अजीब तरह की हैं जिससे डर लगता है आदमी को। आँखों में कोई ख़ास बात थी, बस इतना हुआ वाक्या। फिर मैं अंदर चला गया, जब देर हो गई तो मैं बाहर निकल के मैंने देखा कि बाहर क्या हो रहा है। तो देखा तो जमील और उसके मियाँ दोनों वहाँ गए हुए थे उस औरत के पास, और औरत से जमील बातें कर रही थी और मर्द एक और मर्द था उससे ये उसके मियाँ मुबारक बातें कर रहे थे। कुछ देर देख के मैं वापस आ गया, फिर जब काम ख़त्म हुआ तो मैं गया मोटर में। मैंने उनसे पूछा कि जमील वगैरह वो कौन थे दो बाहर, वो औरत कौन थी और वो मर्द कौन था। तो वो कहका मार के हंस पड़े कि आप मजाक कर रहे हैं, हम कब गए हैं, वो तो आप गए थे। मैंने कहा मैं तो अंदर ही खड़ा हूँ, मैं तो निकला ही नहीं। उन्होंने देखा था कि आप उससे बातें कर रहे हैं। हाँ। और आपने देखा था कि उमा बोली कि मामू मैं बैठी हुई हूँ, मुझे पता है आप गए थे और हमारे अब्बा उम्मीद तो अंदर ही बैठे रहे हैं। तो बयक वक्त ये नज़ारा देखा गया कि मैं देख रहा था वो गए हुए हैं और वो देख रहे थे कि मैं गया हूँ। तो ये जन्नती काम है। इसी तरह एक दफ़ा हजरत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने मुझे बताया कि वो रात को लेटे हुए थे दलान अपना बंद करके, तो पांव पर पिंडी पर बड़े ज़ोर से किसी ने दबाया, इतना ज़ोर से कि आपकी आंख खुल गई। उस पर जैसे ही आपकी बात थी आदत थी जलाल से बात की, उसने कहा देखो तुम जो भी चीज़ हो अगर तो खुदा की तरफ से आए हो तो जो चाहो करो मैं हाजिर हूँ, और अगर अपनी तरफ से आए हो तो मुझे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं, जो करना कर लो। वो हाथ आराम से उठ गया और वो गायब हो गया। उठे बिजली जलाई और देखा कमरे में कुछ भी नहीं था, रोशनी कर दी कोई भी नहीं था कमरे में। तो जिन्नात तो हमने खुद तजर्बा करके देखा है कि होते ज़रूर हैं। अब नज़म हो जाए तुम्हारी, कोई जिन्नों पर नज़म है? हे लोग
वो भी चाहते हैं दौलत जहां मिले जमीन मिले मकान मिले सुकून कल्ब जान मिले पर अहमदी वो हैं कि जिनके जब दुआ को हाथ उठे तड़प तड़प के यूं कहें कि हमको कादियां मिले चले चलो तुम्हारी राह देखती है मस्जिदें वो मुंतजिर हैं खाने खुदा से फिर अजान बढ़े चलो बराहदी खुशानसीब के तुम्हें बढ़े चलो बराहदी खुशानसीब खलीफतुल मसीह से अमीर कारवां मिले खलीफतुल मसीह से अमीर कारवां जियो तो कामरान जियो शहीद हो तो इस तरह जियो तो कामरान जियो शहीद हो तो इस तरह के दीन को तुम्हारे बाप दीन को के दीन को तुम्हारे बाद उम्र जावेदां मिले के दीन को तुम्हारे बाद उम्र जावेदां मिले है जिंदा कौम वो न जिसमें ज़ौफ का निशान मिले के तिफ्ल तिफ्ल पीर पीर जिस नौजवान मिले बढ़े चलो बराहदी खुशानसीब के तुम्हें खलीफतुल
मसीह से अमीर कारवां मिले, तड़प तड़प के यूं कहें कि हमको कादियां मिले। जज़ाकअल्लाह। आज फरीना नहीं आई हुई? उसने बताया नहीं, नीचे बैठी होगी शायद।